विकसित होते भारत की छवि को धूमिल करती ये तस्वीरें हमारे समाज को शर्मिंदगी का एहसास कराती हैं। आजादी के 70 साल बाद की ये तस्वीरें हमें आज भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर इशारा कराती हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों रुपए की लागत से घर घर शौचालय बनाने का उद्देश्य इसी समस्या से निजात पाने का एक कदम है। पर आखिर क्यों आज भी हमारे ग्रामीण परिवेश और पिछड़े इलाकों में ये तस्वीरें रह रह कर हमारे सामने आती हैं? जी हाँ, एक तरफ तो हम आधुनिक होते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ हम आज भी खुले में शौच जैसी शर्मनाक हकीकत का सामना करने को मजबूर हैं। आंकड़े बताते हैं कि अकेले भारत में खुले में शौच की दर विश्व की 60% है। शहरी विकास मंत्रालय के मुताबिक गैर अधिकृत कॉलोनियों, मलिन बस्तियों और झुग्गियों में 51% घरों में शौचालय नहीं है, जिसकी वजह से आज भी यहाँ खुले में शौच जाने की प्रथा जारी है। अफसोस कि लोग इसे ना तो गलत मानते हैं और ना ही हानिकारक। अभी भी भारत की 50% से अधिक आबादी ये नहीं जानती कि खुले में शौच जाने से उनके स्वास्थ्य पर कितना विपरीत प्रभाव पड़ता है और इससे कई तरह की बीमारियाँ फैल सकती हैं। ये आपके और आपके परिवार के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में करीब 70 करोड़ लोग या तो खुले में शौच करते हैं या फिर सूखे शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में इन सूखे शौचालयों की संख्या लगभग 7.64 लाख है, जिनमें से लगभग 5.4 लाख शहरों में और बाकी 2.24 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में है। ये सूखे शौचालय पूरे समुदाय के लिए स्वास्थ्य संबंधी खतरा उत्पन्न करते हैं और वातावरण को भी दूषित करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि मानव के मलमूत्र से 50 से अधिक संक्रमित बीमारियां फैलती हैं। और ये भी सच है कि हमारे देश में संक्रमण के चलते हर साल लाखों लोगों की जान चली जाती है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुले में शौच करना किस तरह बीमारियों को न्योता देने जैसा है। जीवन को स्वच्छ बनाए रखने और बीमारियों से बचाव के लिए खुले में शौच को रोकना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि खुले में शौच मानव जीवन के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। खुले में शौच के नुकसान। इससे जल स्रोतों में संक्रमण का खतरा बढ़ता है। जल, थल और वायु प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। इंसानों में संक्रमण संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ता है। बच्चों के स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ता है। महिलाओं के लिए सुरक्षा और निजता का खतरा। बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों के लिए असुविधाजनक। आपने देखा कि खुले में शौच से मानव स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर पड़ता है। यही नहीं, ऐसा करने से हमारे पर्यावरण को भी काफी नुकसान होता है। खुले में शौच की आदत से हम अपने जल, जंगल और जमीन को दूषित कर रहे हैं। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच पर प्रतिबंध लगाने के सरकार ने कई कारगर कदम उठाए हैं। गांवों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों में मुफ्त शौचालय का निर्माण। ग्रामीण इलाकों में लोगों को शौचालय बनवाने के लिए सरकारी अनुदान की सुविधा। सरकारी मानकों के आधार पर गांवों और पिछड़े इलाकों में आधुनिक शौचालय। शौचालय बनवाने और उसके इस्तेमाल को लेकर विज्ञापनों द्वारा जागरूकता अभियान। इस योजना के जरिए सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को सुधारना है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी स्वच्छता को बढ़ावा देना है। लेकिन इस मिशन में सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सिर्फ शौचालय बनाकर या लोगों को इसके इस्तेमाल के लिए शिक्षित और प्रेरित कर हम स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि इस अभियान का उद्देश्य मानव मल मूत्र का सही प्रबंधन करना भी है, ताकि मल मूत्र जमीन के नीचे भूजल को दूषित न कर पाए। ये मल पिट से पाइपों के जरिए जल स्रोतों तक न पहुंच पाए और ये अपशिष्ट खुली हवा के जरिए पर्यावरण को दूषित न कर पाए, लिहाजा इसका प्रबंधन और निस्तारण बेहद जरूरी है। गांधी जी ने कहा था कि कचरा यदि अपने उचित स्थान पर पहुंच जाए तो वो हमारे लिए फायदा भी कर सकता है। इन चंद शब्दों के जरिए गांधी जी ने लोगों को बड़ा संदेश दिया, लिहाजा केंद्र सरकार ने भी गांधी जी के चश्मे को मॉडल बनाकर साल 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की, जिसकी कामयाबी के बाद 2019 में स्वच्छ भारत मिशन की दूसरी कड़ी को आगे बढ़ाया गया। इस अभियान के तहत तमाम तरह के कूड़े कचरे और अपशिष्ट के प्रबंधन पर जोर दिया गया है, फिर चाहे वो घरेलू कचरा हो या फिर पशु व मानव अपशिष्ट।
सरकार आज हर तरह के कचरे के कुशल प्रबंधन पर जोर दे रही है और इसके लिए लोगों की मदद भी कर रही है। ये सच्चाई है कि शौचालयों के जरिए मानव अपशिष्ट को महज निस्तारण किया जा सकता है, जबकि इसके सही प्रबंधन के जरिए हम इसका उपयोग ऊर्जा निर्माण और जैविक खाद बनाने में भी कर सकते हैं। यानी मल से खेती को बल भी दिया जा सकता है और ये पर्यावरण के लिए भी बेहतरीन विकल्प है। वैज्ञानिक परीक्षणों से ये भी साबित हुआ है कि बेहतर स्वच्छता सुविधाएं लोगों के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक विकास को भी बेहतर बनाती हैं। तो आइए हम भी संकल्प लें कि खुले में शौच पर विराम लगाएंगे और अपने जल, जंगल और जमीन को स्वच्छ बनाएंगे।